दोस्तों, जानी दुश्मन के लिए वोट मांग रही है नागिन की मौनी राय। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, नागिन की मौनी राय जानी दुश्मन के लिए वोट मांग रही है। क्या है पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हे गाइस, दिस इज दीपक कुमार, यू वाचिंग फॉर डीटेक वर्ल्ड। दोस्तों बता दें कि सुनने में भले ही बात आपको अजीब लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इन दिनों खूबसूरत नागिन मौनी रॉय वोट मांग रही है, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी जानी दुश्मन के लिए। जी हाँ दोस्तों, वही जानी दुश्मन जो धारावाहिक नागिन 2 में मधुमक्खी का किरदार निभा रही थी। हम बात कर रहे हैं आस्का गोराडिया की। दोस्तों नागिन सीरियल में आस्का ने मधुमक्खी का किरदार निभाया है, जो स्क्रिप्ट के अनुसार नागिन यानी मौनी रॉय की जानी दुश्मन है। लेकिन हम आपको बता दें कि पर्दे पर एक दूसरे की जान की दुश्मन नजर आने वाली ये दोनों खूबसूरत बलाएं बेहद ही अच्छी और करीबी दोस्त हैं, और इन दिनों मौनी रॉय अपनी इसी दोस्त का फर्ज निभा रही है। हाल ही में प्रसारित होने वाला डांस रियलिटी शो नच वलिए में टीवी के जाने पहचाने कलाकारों ने एंट्री की है, जिसमें आस्का भी शामिल है, और इसका इस शो में अपने अमेरिकन मंगेतर ब्रांड के साथ डांस और रोमांस करती नजर आएंगी। और अब आस्का इस डांस मुकाबले में हिस्सा ले रही है, तो उनकी खास दोस्त चाहती है कि वे इस मुकाबले में अंत तक बनी रहे और जीत कर ही लौटे। बस इसी मंशा से इन दिनों ये नागिन अपनी मधुमक्खी यानी आस्का के लिए दर्शकों से वोट करने की अपील कर रही है, और उन्हें इस शो में आस्का और उनके मंगेतर की ट्यूटिंग देखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों नागिन की मौनी रॉय अपनी जानी दुश्मन के लिए वोट मांग रही है। एक बार फिर बता दें कि मौनी रॉय यानी नागिन की जानी दुश्मन मधुमक्खी रियल में उनकी इतनी करीब दोस्त है, जिसकी जानकारी आपको पहले नहीं होगी, और ये करीबी दोस्ती अब फिर से पर्दे पर आने वाली है। दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ गई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और भी इसी तरह की इस शो से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डीटेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपके पास आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे ज्यादा आ सके। धन्यवाद।